एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए आपको किसी भी महंगे गैजेट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है एक मोबाइल फोन और बहुत सारा टैलेंट, तो आप सिर्फ एक मोबाइल फोन का यूज करके भी, और यहाँ पर भी मैं बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल फोन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एक सिंपल एंड्रॉयड मोबाइल फोन की। अगर आपके पास एक बेसिक मोबाइल फोन भी है, नॉर्मल स्मार्टफोन है, तो इसका यूज करके भी आप एक बहुत ही अच्छे और सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन पर वीडियोज जो है यूट्यूब पर अपलोड करेंगे और कैसे उस वीडियो की परफॉर्मेंस को मैनेज करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत, वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। सो सबसे पहले आपको उठा लेना है अपना मोबाइल और मोबाइल फोन से एक बहुत ही अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अब वीडियो की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, तो यहां पर एज सच कोई भी आपको हाई क्वालिटी की वीडियो की ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको वैसी वीडियो डालनी है, लेकिन बस मेक श्योर करें कि जो भी आप वीडियो बना रहे हो वो 16:9 के रेशो में हो, ठीक है, और उसी के साथ साथ में 1280x720 ये आपको ध्यान रखना है कि ये मिनिमम रेजोल्यूशन तो एटलीस्ट आप रखें। अब अगर आप एडवांस, आपके पास जैसे एक 4K कैमरा वाला फोन है, तो 4K में भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट 1280x720 इज द मिनिमम पिक्सल जो आप मेंटेन करके रखिए, ठीक है। बस याद रखिएगा 16:9 के रेशो में आपकी वीडियो होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको दो एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लेनी है। पहली है यूट्यूब स्टूडियो, ठीक है। अब ये जो यूट्यूब स्टूडियो है, ये नॉर्मल यूट्यूब ऐप से अलग है। इससे आप क्या करते हो, आप अपने चैनल को मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो कितने आपके व्यूज आ रहे हैं, कितना वॉच आ रहे हैं, कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो, कौन कौन कमेंट कर रहा है, सबको मैनेज कर सकते हो। और दूसरी ऐप है हमारी नॉर्मल यूट्यूब ऐप। वैसे आप मोबाइल फोन के जो ब्राउजर है वहां पर भी जाकर यूट्यूब को यूज कर सकते हो, बट आई थिंक ऐप से काफी चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो यूट्यूब एज वेल एज यूट्यूब स्टूडियो दोनों ही ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है। वैसे YouTube का मोबाइल फोन का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जो कि फ्री हमने आप लोगों के लिए बनाया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वो पूरी वीडियो देखकर भी मैंने वहां पर पूरा बताया है कैसे आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे YouTube के लिए, देन YouTube को कैसे मैनेज करेंगे, सारी वहां पर चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं हमारे यूट्यूब ऐप पर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो राइट साइड में ये यहाँ पर प्रोफाइल का बटन है, यहाँ पर ये चैनल आ रहा है हमारा, ठीक है। अब इसको अगर आपको चेंज करना है या फिर अगर आपका चैनल यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी से, ठीक है। तो जीमेल आईडी हमारी यहाँ पर है, जैसे मान लो एक ये वाली जीमेल आईडी है। अभी आप यहाँ पर देखोगे तो कोई भी जो चैनल है वो यहाँ पर नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या ऑप्शन आएगा, आपको इस तरह से योर चैनल का ऑप्शन आएगा। अगर चैनल नहीं बना हुआ है तो क्रिएट अ चैनल का ऑप्शन आएगा, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं वो पहले वाली ही आईडी पर आ जाती हूँ, इस तरह से मैं स्विच कर लेती हूँ, ठीक है, और ये हमारा चैनल आ गया। अब आपको जब वीडियो अपलोड करनी है, तो इसके लिए जो ऐड बटन है इस पर करना है आपको क्लिक। अब आपके पास यहाँ पर बेसिकली चार ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएटर शॉर्ट, अपलोड अ वीडियो, गो लाइव या फिर क्रिएटर पोस्ट। क्रिएटर पोस्ट का ऑप्शन आपको अप्रोक्सीमेटली 500 सब्सक्राइबर्स के बाद मिलेगा, तो अगर आपके ऑप्शन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ पर अपलोड अ वीडियो का ऑप्शन है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी मेरी पूरी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से मैं एक वीडियो जो मैंने ली थी वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स की ये वीडियो है, तो मैं इसको नेक्स्ट जो है इस तरह से कर देती हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में अब आप यहाँ पर देखोगे ये वीडियो यहाँ पर आ रही है। अब वीडियो के लिए हमें चाहिए एक स्पेशल थंबनेल, तो थंबनेल को बनाने के लिए भी मैंने आपको जो है कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया है। मैंने आपको बताया कैसे आप ग्राफिक्स बना सकते हो यूजिंग योर मोबाइल फोन, तो उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेक श्योर करें वो वाली वीडियो भी आप देख लें, जिससे आप कंप्लीटली तैयार हो जाए मोबाइल फोन से अपने यूट्यूब चैनल को यूज करने के लिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैंने एक थंबनेल बनाया था, जो कि मैंने उसी वीडियो में बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये थंबनेल मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो देख सकते हो बहुत ही हाई क्वालिटी थंबनेल मैंने यहाँ पर लगा चुकी हूँ। अब यहाँ पर आता है टाइटल, तो आपको अपनी वीडियो का टाइटल लिखना है। वैसे इसके लिए भी कंप्लीट कोर्स हमारा अवेलेबल है, यूट्यूब कंप्लीट कोर्स। थोड़ी सी बड़ी वीडियो है, लाइक 12-13 घंटे की वीडियो है, लेकिन ट्रस्ट में वो वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। अगर आप बनना चाहते हैं एक यूट्यूबर, तो जरूर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट का लिंक उठा लो या वीडियो का लिंक उठा लो और वो प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टाइटल लिख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया 5 ways to earn money online। अगर आपको हिंदी फॉन्ट भी चाहिए, तो इसके लिए आप आ जाइए ब्राउजर पर। यहाँ पर आपको टाइप करना है हिंदी इनपुट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये देखो ये हिंदी इनपुट आ गया। यहाँ पर आप क्या करोगे, आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिखोगे और वो हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर हिंदी भी फॉन्ट
यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसी को ही एक्सटेंड कर रही हूँ, ठीक है। अर्न मनी यूजिंग ओनली मोबाइल, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, जो जो लिंक्स आपको लगाने हैं वो आप लगा लेंगे। तो जल्दी से मैं डिस्क्रिप्शन लिख लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये कुछ डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। अब यहाँ पर आपको जैसे मान लो अपना इंस्टाग्राम का, फेसबुक का लिंक लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। कोई भी लिंक आप यहाँ पर लगा सकते हो, अपने किसी वीडियो का, अपने किसी प्लेलिस्ट का, अपने किसी दूसरे चैनल का, वो सब लगा सकते हो। इस तरह से मैं लिख रही हूँ, फॉलो माई इंस्टाग्राम, ये मैंने लिखा, और मैं अपने इंस्टाग्राम का जो है यहाँ पर लिंक लगा दूंगी, ठीक है। तो ये मैंने लिंक कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इस तरह से जो इंस्टाग्राम का WsCubeTech का लिंक है वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब ये लिंक आप चाहे कोई भी लगाओ, कैसे भी पेस्ट करके लिखाओ, यहाँ पर टाइप करो, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो वहां पर लिंक आ जाएगा। ऐसे आप फेसबुक का लगा सकते हो, किसी भी चीज का लिंक आप यहाँ पर जो है जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आ गई हूँ। अब डिस्क्रिप्शन में ही मैं कुछ जैसे हैशटैग्स लगा देती हूँ, जैसे हैशटैग अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है, WsCubeTech, कुछ ऐसे मैं लगा देती हूँ लिंक, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। मैंने हैशटैग्स लगा दिए 4-5। उसके अलावा विजिबिलिटी, अब यहाँ पर आप अपनी वीडियो को पब्लिक रखना चाहते हो, अनलिस्ट रखना चाहते हो, प्राइवेट रखना चाहते हो, शेड्यूल करना चाहते हो। पब्लिक मतलब सबको दिख जाएगी, अनलिस्ट का मतलब है जिसके पास लिंक होगा सिर्फ उसी को ये वीडियो दिखेगी, प्राइवेट का मतलब जो जो आपके चैनल से एडेड है, कोई चैनल का ओनर है या किसी को कुछ मैनेजर बनाया हुआ है वही देख पाएगा, और शेड्यूल मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर जाकर वीडियो पब्लिश हो जाएगी। तो अभी क्योंकि मैं आपको ये सैंपल दे रही हूँ तो मैं अनलिस्ट ही कर रही हूँ वीडियो को। आप यहाँ पर अपनी लोकेशन लगा सकते हो कि ये कहाँ पर वीडियो जो है शूट हुई है, तो जैसे मैं यहाँ पर ऐसे लोकेशन लगा देती हूँ। उसके अलावा कोई प्लेलिस्ट अगर आपको करनी है, तो यहाँ पर अभी कोई प्लेलिस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब स्टूडियो पर जाकर बना दूंगी और फिर वहां पर इसको ऐड कर दूंगी, ठीक है। ये करने के बाद में नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। अब आपसे ऑडियंस पूछी जा रही है कि आपकी ऑडियंस क्या है, तो इज इट मेड फॉर किड्स या फिर नॉट मेड फॉर किड्स, तो ये नो, नॉट मेड फॉर किड्स होगी। अब ये क्यों होगी, तो इसके लिए आपको पूरा कोर्स देखना पड़ेगा, ठीक है। एज रिस्ट्रिक्शन, तो नहीं, हमने कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है क्योंकि वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं है। अब आप देखोगे तो हमारी वीडियो जो है ये अपलोड हो चुकी है। सी वीडियो पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको ये वीडियो दिखाई जाएगी। इसका ये जो यहाँ पर नीचे लिंक आ रहा है, इस लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं। उसी के साथ ही अगर इस वीडियो को मैं कुछ और चेंजेस करना चाहूँ, एक बार अपलोड ये हो जाए तो कुछ चेंजेस भी मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। तो इस वीडियो को अपलोड होने देते हैं, प्रोसेस होने देते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। तो अब ये जो वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है, ये मिलेगी आपको इस लाइब्रेरी वाले सेक्शन में। आप जाओगे तो ये योर वीडियोस का यहाँ पर सेक्शन है, यहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को आप जो है ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। एडिट का मतलब है यहाँ पर आप इसका थंबनेल वगैरह, इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीजें चेंज कर सकते हो। इसमें कुछ टैग्स लगा सकते हो, ठीक है। टैग्स लगाने का ऑप्शन जब वीडियो अपलोड करते रहते हो उस टाइम नहीं आता, ये अभी आप यहाँ पर टैग्स लगा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने आपको YouTube स्टूडियो बताया है, तो YouTube स्टूडियो जब आप डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पर इस सारी चीजों को आप मैनेज कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप कंटेंट वाले सेक्शन में जाओगे तो कंटेंट वाले सेक्शन में आपकी ये वीडियो आ चुकी है। यहाँ पर आपके ये जो कमेंट्स सारे आ जाएंगे, जो जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, और एक साथ ही आप उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। बाकी जैसा मैंने कहा, कंप्लीट आपके लिए मोबाइल वाला यूट्यूब कोर्स भी एज वेल एज डेस्कटॉप वाला भी कोर्स अवेलेबल है। इफ यू आर सीरियस अबाउट बिकमिंग अ यूट्यूबर, यूट्यूब को बहुत ही सीरियसली आप सीखना चाहते हो, यूट्यूब SEO को सीखना चाहते हो, तो दोनों वीडियोस पूरी पूरी आपको देखनी है। उसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो ये थंबनेल मैंने कैसे बनाया है, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अभी बस जाइए, उठाइए अपना मोबाइल फोन, क्रिएट सम अमेजिंग कंटेंट, ऑडियंस को एंटरटेन करो, एजुकेट करो, अमेजिंग कंटेंट बनाओ, उसे अपलोड करो, एंड कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप मेहनत करते हो, क्रिएटिविटी लाते हो, तो बहुत ही जल्दी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर आप कोई देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है टॉपिक्स बता सकते हो, हमें बता सकते हो किस चीज पर आप वीडियो देखना चाहते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।